अभी मैं तैयार होने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे जाना है लहरपुर और थोड़ा काम से। तो अभी मैं निकलता हूँ लहरपुर के लिए और जल्दी से रेडी होता हूँ और फिर आप लोगों से आगे की बात करता हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी मैं बस में बैठ चुका हूँ और बस में बैठने के बाद अभी देख सकते हैं आप लोग, यहाँ चित्रा टॉकीज के पास से बस मुझे मिली। वहाँ से निकलने के बाद ये आँख अस्पताल रोड की तरफ ये बढ़ रही है और अभी हम लोग, आप लोग जानते होंगे कि जो लोग सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वो ये बस कहाँ पे पहुँच चुकी है। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं आँख अस्पताल वाली रोड से जो हमें लेकर के जाती है और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जेल दीक्षित ये सब डॉक्टर्स जो हैं वहाँ पहुँचे हैं। धीरे धीरे हम सरोजनी वाटिका की तरफ पहुँचेंगे और ये शायद उल्टा टर्न होकर के बस जा रही है। आप लोग ये देख सकते हैं आई लव माई सीतापुर कितना अच्छा लगता है, नगर पालिका की तरफ से जो बनाया गया है। और ये बस में बैठने की वजह से पूरा वीडियोस अपलोड नहीं हो पाया सही से। उसी दिन आप लोगों को बताइएगा तो और भी वीडियोस आप प्लेस के नाम कमेंट में लिखिएगा, मैं वहाँ पे विज़िट करके सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में कहीं पर भी हो वहाँ जा कर के आप लोगों को नए नए वीडियोस अवेलेबल कराऊंगा। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सरोजनी वाटिका के पास जो जो यहाँ पर नर्सरी छोटी सी है वहाँ पर पहुँचे हैं। ये जो चर्च है चर्च के पास पहुँच चुके हैं और आगे धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं। यहाँ पे नारियल लगे हुए हैं, आप लोगों ने देखा होगा और काफ़ी अच्छा लगता है कि कोई वीडियोस जब अपने शहर के हों तो ज़्यादा एक खुशी खुशी मिलती है। सो मेरा पर्पज़ ये है अपने सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से जुड़ने का कि अभी आप लोगों को सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से जुड़ना है और पेज को फॉलो करना है, लाइक करना है और जितना भी हो सके आप सीतापुर डिस्ट्रिक्ट जो पेज उसको आप प्रमोट करिए और इससे आपको सीतापुर की नाम होगा कि कोई सीतापुर में भी एक ऐसा पेज बना हुआ है जो बहुत ज़्यादा हमें इंगेज्ड करता है, लोगों को इंगेज्ड करता है, सीतापुर को इंगेज्ड करता है। तो अभी हम लोग कहाँ पहुँचे हैं आप लोगों को पता होगा। सो अभी हम लोग निकल चुके हैं आँख अस्पताल के रोड से आगे की तरफ बढ़ चुके हैं और हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ। आप लोगों को पता होगा ये जो वापस हम लोग लालबाग से घूम के बस अड्डे गया, बस अड्डे से वापस बस आई, अब हम लोग चल रहे हैं वापस फिर से उसी रोड पे चलना शुरू हुई है। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेडिसिटी हॉस्पिटल है और पेप्सिको वाला है और ये जो बड़ा डाखाना रोड है बोलते हैं यहाँ, वहाँ पर आप लोग पहुँच सके। पीछे आप लोग देख सकते मुस्कान गेस्ट हाउस और ये लगभग पूरा सीतापुर इधर से घूम करके ये लहरपुर के लिए जा रहा है और पेप्सिको एजेंसी आप लोगों ने देखी यहाँ पर। आगे और भी वीडियोस में मैं अभी तब तक के जल्दी से वीडियो में पहुँचता हूँ और आगे का नज़ारा। ने बस जो है बहुत ही फास्ट चलाई है और ये आप लोग फील्ड देख सकते हैं और हम लोग धीरे धीरे बस स्टैंड की तरफ पहुंच रहे हैं वापस। ये वहां से सेक्रेड हार्ट जो डिग्री इंटर कॉलेज है वहां से टर्न ओवर करेगा और यहां पे कुछ फुटपाथ पे जो सामान लगाते हैं आप लोग देख सकते हैं, बहुत मतलब पूरा ये नज़ारा आप लोगों को सीतापुर में अगर रहते तो बहुत अच्छा लगता है कि अपने शहर की चीज़ों को देखना। और यहाँ पे बस आके स्टॉप हुई है, अब हम लोग वापस बार बार वो वीडियोस ना दिखा करके सीधे अब हाईवे पे हम लोग आ चुके हैं लहरपुर वाले हाईवे पे और ये हम लोग जा रहे हैं, ये कसरैला से होता हुआ निकलेगा तो आप लोग रास्ते का मज़ा ले सकते हैं। और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हम लोग यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं लहरपुर का, ये पहला वीडियोज़ ऐसा होगा जो शायद हम लोग विज़िट कर रहे हैं। इसके बाद कमेंट में जैसे जैसे वीडियोस कमेंट में आते रहेंगे जिस जगह के बनाने
छपा के बनाने हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि वो वापस जो है खैराबाद रोड पर आ करके ये लखनऊ हाईवे पर निकल चुका है। लखनऊ हाईवे पे बड़ा बस घुमा घुमा के ले जा रही है, मैं तो बहुत परेशान हो गया। सुपरेंट आप लोग देख सकते हैं ये लेकर के जाएगा अब खैराबाद रोड से, खैराबाद से जो आईटीआई जो बना हुआ है कॉलेज उसकी तरफ से लेकर के जाएगा और ये कसरैला होकर के निकलेगा जाके। तो बहुत ज़्यादा काफ़ी घूम करके बस जा रही है, तो मैं बहुत ज़्यादा रास्ते में परेशान भी हो गया। काफ़ी टाइम तक ये खैराबाद स्टॉप पर भी रुकी रही बस, तो जिसके चलते मुझे ज़्यादा दिक्कत हुई, मुझे नहीं पता था, नहीं तो मैं गाड़ी से आता, मुझे वीडियोस भी बनाना था, तो हम घर से निकलने के टाइम पर बनाए हैं। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं लहरपुर और ये लहरपुर का गेट बस स्टैंड से कुछ इस तरीके का आ रहा है। मैंने अपनी पहली पोस्ट में भी लहरपुर का जो वीडियो है फ़ोटोज़ अपलोड की हैं वो आप लोग देख सकते, देखा होगा आप लोगों ने, मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर लहरपुर के गेट के पास, तो आपको कैसा लगा इस वीडियो को ज़रूर बताइएगा। थैंक